चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जुड़ जाइए हमारे आईटी गुरु एजुकेशन की दुनिया से। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आईटी गुरु, माई सेल्फ शोम। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि भैया गूगल क्रोम में हम टैब्स को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। हाल ही में दोस्तों गूगल का एक नया अपडेट जो है वो आ चुका है और उसमें दोस्तों आप अपने इंटायर टैब्स को, यानी अगर आपके पास बहुत सारी टैब्स ओपन हैं आपके ब्राउजर में, तो आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, और उसके बाद में आप दोस्तों उसका जो पर्सनलाइजेशन है वो भी थोड़ा चेंज कर सकते हो। तो ये दोस्तों अभी बीटा वर्जन में है, यानी एक्सपेरिमेंटल फीचर है, तो अभी ये ऑफिशियली दोस्तों आपके क्रोम में नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये ढूंढ रहे हैं कि भैया हमारे क्रोम में नहीं आ रहा है, तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन इसी वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा जैसे कहता हूं कि भैया आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि वहां से जब मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ और हम एक्सप्लोर करते हैं इस सेटिंग्स को कि ये काम कैसे करती है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ टैब्स ओपन है और हर एक टैब्स को मैंने ऑर्गेनाइज कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो अभी है मैंने ज़्यादा नहीं टैब्स ओपन किए हैं, सिर्फ मैं आपको एक सैंपल के रूप में दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे एक एमेशन है और यहाँ पे गूगल की न्यूज, यानी दोनों की न्यूज की ये पोर्टल है। तो यहाँ पे मैंने इनका जो नाम है वो जो कैटेगराइज किया है वो है न्यूज पोर्टल। आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, इसमें आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि सपोज आप न्यूज वगैरह बदलेंगे तो जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भैया जो हम टाइप करें वो बदल रहा है। नीचे से आप इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा अपियरेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस, और यहाँ पे हम किसी भी न्यूज का यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आऊं यहाँ पे देखें दो टैब और यहाँ पे ये भी एक टैब्स है, ठीक है। तो इन दोनों में सेटिंग्स बिल्कुल सेम ही वैसे ही होंगी जैसे मैंने पहले बताया। और यहाँ पे ये जो दो वेबसाइट है ये हैं शॉपिंग की, तो मैंने इसको शॉपिंग में लिस्टेड किया है, ओके। तो आप ऐसे लिस्टेड कर सकते हो। अगर आपको कोई नया ग्रुप बनाना हो तो सिंपली आप जैसे यहाँ पे नए टैब में है और आपने कोई सपोज की एक खोल रखा है यूट्यूब, ओके, youtube.com, जैसे कि आपने यहाँ पे खोला और अब आप चाहते हैं कि भैया इसका हमें ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो सिंपली आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ऐड टू अ न्यू ग्रुप कर सकते हैं। अगर आपका ग्रुप पहले से नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ से नया ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग यानी कि पहले से ग्रुप मौजूद है जो कि आपने बना रखा है, तो सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे ऐड टू एग्जिस्टिंग ग्रुप। और यहाँ पे देखिए मैंने दो यहाँ पे बना रखे हैं, तो ये दो हमारे सामने अपीयर हो रखे हैं, तो हम इनको नया इसी में जोड़ सकते हैं या फिर हम चाहें तो एक नया ग्रुप बना सकते हैं, ऐड टू न्यू ग्रुप। तो यहाँ पे जस्ट उसके बगल में एक रेड डॉट आ जाएगा, ब्लैक डॉट आ जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इसका नेम दे सकते हैं। सपोज कि ये हमारी हो गई वीडियो स्ट्रीमिंग, ठीक है, कुछ भी हम नाम यहाँ पे दे दिए, ओके। अब यहाँ पे हम चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ये आपका नया एक ग्रुप जुड़ गया। सेम ऐसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपको, तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ और सिंपली यहाँ पे अगर देखूँ तो न्यू टैब इन ग्रुप, अगर आप इसी ग्रुप में एक नया टैब ऐड करना चाहते हो तो वो काम आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। सिंपली आपको करना क्या है, न्यू टैब पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे जो भी एक न्यूज़ की वेबसाइट है, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ live.hindustan, ठीक है, .com, और यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो अभी जो ये वाली वेबसाइट है ये भी इसी के अंदर लिस्टेड हो जाएगी। सॉरी मैंने कुछ एड्रेस बार में कोई गलती कर दी है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, गूगल से सर्च कर लेता हूँ, ओके, और यहाँ पे ये वेबसाइट आ चुकी है और अभी जो ये है ये हमारे इसके अंदर जुड़ चुकी है। अब देखिए ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेबसाइट इस ग्रुप से लिंक्ड है या फिर नहीं, तो वो काम देखिए यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे देखिए ऊपर आपको एक कलर का आउटलाइन दिख रहा है, ठीक है। इस आउटलाइन का मतलब ही यही है, यानी ये यही दिखाता है कि ये आउटलाइन इस न्यूज से जुड़ा हुआ है, यानी न्यूज के ग्रुप में है, ठीक है। तो ये यही दिखाता है, यानी जिस कलर का आपका न्यूज का कलर होगा, मीन्स ग्रुप का कलर होगा, सेम वैसे ही दोस्तों यहाँ पे आउटलाइन जो है वो ड्रा होगी। चाहे मैं शॉपिंग के लिए देखूँ यहाँ पे, तो उसके ऊपर एक रेड आउटलाइन जो हर एक टैब के ऊपर है वो आपको दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्लू आउटलाइन यहाँ पे दिखेगी और यहाँ पे रेड आउटलाइन, क्योंकि मैंने इसका जो कलर है वो रेड रखा है, तो आप जिस जैसा कलर रखेंगे वैसा ही यहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा। चलिए ये तो बात हो गई कलर्स की और ये टैब्स वगैरह कैसे ऐड होते हैं, कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। देखिए यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो अब आप अनग्रुप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे अनग्रुप करेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ पे ये जो ग्रुप है वो खाली हो जाएगा। कैसे, देखिए आपने किया ये पूरा का पूरा ग्रुप ही गायब हो गया,
लेकिन आप ग्रुप नहीं गायब करना चाहते, आप एक पार्टिकुलर टैब्स को आप ग्रुप से बाहर करना चाहते हैं, तो वो काम आप कैसे करेंगे? सिंपली जैसे यहाँ पे था, मैं इसको एक नया ग्रुप दे देता हूँ, जैसे अभी यहाँ पे न्यूज़ था, सेम वैसे ही न्यूज़ वगैरह मुझे लिखना पड़ेगा। ओके ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ न्यूज़। ठीक है, चलिए इसकी ब्लैक ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, अगर आप जैसे यहाँ पे अभी देखिए गूगल न्यूज ये आउटलाइन नहीं ड्रॉ कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब कि गूगल न्यूज इस ग्रुप से बाहर है। अगर इसको मुझे इसी ग्रुप में करना है तो सिंपली क्या करेंगे, इसको उठा के और हम यहाँ कर देंगे, सबसे पहले ले आएंगे। अब यहाँ पे भी आउटलाइन ड्रॉ हो गया, यानी अब ये इन दोनों में आउटलाइन ड्रॉ हो गया। तो आप ऐसे भी ग्रुप में टैब्स ऐड कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ओके, अब यहाँ पे मुझे गूगल न्यूज को इस ग्रुप से हटाना है तो सिंपली क्या करेंगे, रिमूव फ्रॉम ग्रुप। एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे गूगल न्यूज का जो टैब है वो इस ग्रुप से हट चुका है। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ पे MSN न्यूज ही रह गया है। सेम ऐसे अगर हम यहाँ पे फ्लिपकार्ट को हटाना चाहें तो सिंपली यहाँ पे आके और हम करेंगे रिमूव फ्रॉम ग्रुप, एंड यहाँ पे ये हट जाएगा। तो ये कुछ काम आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे कुछ और फीचर्स हैं, जैसे क्लोज ग्रुप, अगर इस ग्रुप को आप क्लोज करेंगे तो इस ग्रुप में जितने भी टैब्स होंगे वो सभी एक साथ क्लोज हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि आप इसका फीचर तभी यूज करिए जब आपको लगे कि हमको भैया सारे टैब्स यहाँ के क्लियर करने हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे क्लोज ग्रुप पे क्लिक करते हैं तो सिंपली जितनी भी वेबसाइट्स हैं आपकी चली जाएंगी। ठीक है, कोई भी वेबसाइट उस ग्रुप के अंदर अगर होगी, उस जो भी टैब्स होंगे उस ग्रुप के अंदर, वो सारे के सारे आपके चले जाएंगे। तो ये ऐसे काम करता है। अब अगर मैं दोस्तों यहां पे बात करूं कुछ और फीचर्स की, मूव ग्रुप टू अ न्यू विंडो, तो अगर हमें इस ग्रुप को नए विंडो में ले जाना है तो सिंपली हम यहां पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं एक नया पूरा विंडो ही आ गया है। तो इस विंडो के माध्यम से हम यहां पे नया ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको नया विंडो में आपका ग्रुप जो है नया विंडो में चाहिए तो आप ऐसे एक जो है मूव ग्रुप टू अ न्यू विंडो में करके आप जा सकते हैं। ओके, तो यहां पे मैं सिंपली कुछ और नाम देता हूं न्यूज, और इन दोनों को अगर मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ तो अब और कुछ सेटिंग्स हैं जो मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ। यहाँ पे है सेंड फीडबैक, अगर आपको फीडबैक देना है इस ग्रुप से रिलेटेड तो आप बहुत ही आसानी के साथ यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हो, बट मुझे इन केस नहीं चाहिए अभी। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि आप अपने ग्रुप को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, लेकिन आपने ये देखा कि मैं ये सभी टेस्टिंग जो है वो बीटा वर्जन में कर रहा हूँ, यानी गूगल का बीटा वर्जन मैंने डाउनलोड किया है और उसके अंदर ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास एक नॉर्मल क्रोम है और जो कि दोस्तों अपडेटेड है लेटेस्ट वर्जन में, उसमें हम ये काम कैसे करेंगे, यानी विदाउट बीटा वर्जन यूज़ किए हम इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं एज अ एक्सपेरिमेंटल बेस पे, तो वो काम हम कैसे करेंगे? सिंपली आते हैं अपने अपने क्रोम में। ओके, तो यहाँ पे है मेरे पास क्रोम, ओपन करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे एड्रेस बार में टाइप करना है chrome:// और यहाँ पे टाइप करना है फ्लैक्स। ओके, और यहाँ पे जैसे आप फ्लैक्स टाइप करेंगे आप पहुँच जाएंगे यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में, जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंटल चीज़ें जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली आप क्रोम में। तो यहाँ पे मुझे सर्च करना है, अभी यहाँ पे देखिए आ तो है नहीं रहे कि मतलब टैब्स का कोई यहाँ पे कोई ऑप्शन तो मिल नहीं रहा है आपको, तो सिंपली आपको करना है यहाँ पे लिखना है टैब ग्रुप, और यहाँ पे जब आप टैब ग्रुप को आप देखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, सिंपली इसको आपको इनेबल करना है। ओके, और यहाँ पे रीलॉन्च करना है। ठीक है, यहाँ पे रीलॉन्च पे आपको क्लिक करना है और क्रोम जो है ऑटोमेटिक ही दोस्तों रीलॉन्च होगा आपके सामने, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो आपका एक्सपेरिमेंटल फीचर है वो ऑन हो चुका है। तो अभी अगर हम यहाँ पे आते हैं कोई नया टैब, सपोज कि यहाँ पे कोई मैं वेबसाइट खोलता हूँ और या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ ऐड टू अ न्यू ग्रुप, आप देखिए यहाँ पे बगल में आपको आ गया है। तो सेम चीजें आप एक नॉर्मल आप क्रोम में कर सकते हो, जैसे कि वहां पे बीटा वर्जन में था, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो आपका अपडेटेड वर्जन है वो उसमें भी आप ये सभी चीजें कर सकते हो। तो ये थे दोस्तों क्रोम के कुछ नए फीचर्स। आई होप कि दोस्तों ये जो है आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा फीचर साबित होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों आप वीडियो को जरूर जरूर अभी लाइक कर दीजिए, आप फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, और क्योंकि मैं दोस्तों ऐसी वीडियोस आप सबके लिए रोज लाता रहता हूँ। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।